तो हेलो गाइस, मैं गोविंद शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कंचा टेक टॉक्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बेटेल एम 71 की। मैं आपको दिखा देता हूं, यह है हमारा बेटेल एम 71 फोन जो एक एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, किसी भी एक्सट्रीम फाइबर से जो है कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू देंगे कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और किस तरीके का हमें ये बॉक्स जो देखने को मिलता है। ठीक है, और हम इसे कनेक्ट भी करके दिखाएंगे कि आप इसे किस तरीके से एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से जो है कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो पे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग टेबल पर। हमने कुछ बॉक्स का इस तरीके का लुक आता है, जिसमें जो है लिखा हुआ है 99 इनकमिंग कॉल्स मेमोरी, 6 वन टच मेमोरी, 5 नॉर्मल एंड 4 मॉडल रिंगटोन। ठीक है, ये है हमारा बॉक्स एंड इसके पीछे जो है कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए कि हम इसके अंदर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। 18 आउटगोइंग कॉल्स मेमोरी, FSD कंपेटेबल, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर दी हुई है। मैं ये सारी चीज़ नहीं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसके जो है कुछ एक दो सेकेंड रोक के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको बॉक्स के अंदर जो है सारी चीज़ें दी जाती है। मैं बताता हूँ, फर्स्ट आपको लाइन कोड दिया जाता है, एक कॉइल कोड दिया जाता है, एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है, एक बैटरी दी जाती है और एक यूनिट दी जाती है M71 की, एक बेस प्लस हेडसेट दिया जाता है। ये सारी चीज़ आपको दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने आपको बॉक्स का सारी चीज़ें रिव्यू दिखा दिया, सारा बॉक्स भी दिखा दिया। ये देखिए, कुछ इस तरीके का लुक है हमारा फ्रंट और बैक। अब हम इसे कर लेते हैं ओपन। तो हम इसे करते हैं, यहाँ से ये ओपन होगा, हमें इसे कर लेना है यहाँ से स्लिक और यहाँ से कर लेना है इसे ओपन। यहाँ पर भी जो है आपको बीटल का लोगो जो है दिख जाएगा, इस तरीके का बीटल का लोगो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, बॉक्स को ओपन करते के साथ ही हमारे सामने ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे ऊपर हमें एक लैंड केबल दिख जाती है, जिससे हमें जो है अपना जो इंटरनेट मतलब कि लैंडलाइन जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट करना है, ये हमें सबसे ऊपर देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें एक पॉली बैग के अंदर, बबल पॉली बैग के अंदर जो है हमारा लैंडलाइन दिखता है। बॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं खाली है, कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। बॉक्स को हम कर देते हैं साइड में। ठीक है, ये है हमारा लैंडलाइन प्लस बैटरीज, जो भी हमें इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है। फर्स्ट हम निकाल लेते हैं अपना यूज़र मैनुअल। तो देखिए, ये है हमारा यूज़र मैनुअल, आप ये है हमारा बिल। ठीक है, बिल है और यूज़र मैनुअल है। ये बिल को हम कर देते हैं साइड में और ये है हमारा यूज़र मैनुअल। आप यूज़र मैनुअल को पढ़ लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, हम इसे फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, इसे कर देते हैं साइड में। तो देखिए, फर्स्ट हमें मिलता है एक लैंडलाइन। ठीक है, यह है हमारा मेन बॉक्स, जिससे हम अपने पूरे लैंडलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कितने सारे की पैड्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे जो है हमारे की पैड्स हैं। तो देखिए, ये है हमारा बटन, ये सारे बटन है हमारे। बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है ये बटन, ये जो है बीटल M71 हमें बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। ठीक है, काफ़ी लुक स्टाइलिश लग रहा है और ये बटन भी जो है वो सॉफ्ट टच मतलब सॉफ्ट आराम से जो है प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, ये बैक का लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है हमारी केबल्स लगेंगी। ठीक है, लाइन केबल और EXT केबल। ठीक है, EXT केबल और लाइन केबल दोनों यहाँ पे जो है हमारी दी गई है। ये हमारा वॉल में माउंट करने के लिए ऐसे जो है दो यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें आप इजीली वॉल पे माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रबड़ दी गई है जिससे कि आपका टेबल पे फोन जो है इजीली मतलब हिले ना। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें जो है हमें दी गई हैं और मेरे को नहीं लगता इसके अंदर और कुछ है एक्स्ट्रा। और आपको हम दिखा देते हैं कि इसके अंदर देखिए, फिलहाल हम इसे रख देते हैं ऐसा और हम दिखा देते हैं आपको इसके अंदर क्या दिया जाएगा। एक हमें इसके अंदर एक बैटरी का ये दिया जाएगा, जो बैटरी इसके अंदर हमें डालनी है। ठीक है, ये बैटरी इसके अंदर हमें डले हमारी डलेंगी। ठीक है, ये बैटरी भी हम रख देते हैं साइड में। और एक हमारे दिए गए ये केबल, जिस केबल से जो है हमारा लैंडलाइन और जो हेडसेट है वो मतलब कि कनेक्ट होगा। ठीक है, इस केबल से ही कनेक्ट होगा, इसे भी हम कर देते हैं साइड में। दोस्तों, ये भी ये जो हम लैंडलाइन यूज़ कर रहे हैं ना, ये हम भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस लैंडलाइन की। तो अभी मेरे को भी इसके बारे में इतना नहीं पता है, इसलिए आप जो है थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके साथ क्या क्या दिया जाता है। ये हमारा हेडसेट है, जिससे जो है हमारी स्पीकर जो है माइक और इसके अंदर स्पीकर जो है हमारा दिया गया है, जिससे हम आवाज़ सुन सकते हैं और हमारी आवाज़ जो है जिसके थ्रू जाएगी। यहाँ पर एक जो है कनेक्शन पॉइंट दिया गया है, जिससे हमें ये केबल जो है कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, ये भी मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। पॉली बैग हो चुका है हमारा खाली, इसे भी कर देते हैं हम साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके बटन्स की बात।
आपको मैं इसके बटन दिखा देता हूँ। ये है हमारा कॉल बटन, ये है हमारा स्टोर बटन, ये म्यूट बटन, रिंग बटन जिससे हम रिंग चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस आवाज और आवाज प्लस होंगी और ऊपर नीचे का जो है इससे होगा, इससे जो है आउट और डिलीट, डिलीट होगा और आउट होगा। सेट का बटन, अलार्म का बटन, इसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें जो है काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि आप इसके अंदर अलार्म भी सेट कर सकते हो। ये इसके कीपर दी गई 1 2 3 4 5 स्टार है, ठीक है। ये जो है अगर ये देखिए एक लाइट है, ये लाइट तब जलेगी जब आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट होगा और आपके फ़ोन से जो है कॉलिंग चल रही होगी। ये स्पीकर का बटन है, स्पीकर इसके अंदर दिया गया है इनबिल्ड, तो आप इसमें स्पीकर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। रीडायल का बटन दिया गया है, फ्लैश का दिया गया है, पॉज और ये 6 बटन दिए गए जिनमें आप जो है अपना स्पीड डायल नंबर सेव कर सकते हो। किसी का भी आप नंबर सेव कर सकते हो जिनके थ्रू आप स्पीड डायल से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। फिलहाल हम इसे कर लेते हैं सेटअप और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का लगता है। फिलहाल हम सबसे पहले डाल लेते हैं बैटरी, मैं आपको बैटरी डाल के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद की हम आगे की सेटअप करते हैं। ये हमने कर लिया अपना जो है लैंडलाइन सेटअप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने जो है हैंडसेट भी कनेक्ट कर लिया है, लाइट भी आप इसमें देख सकते हैं, बटन्स भी जो मतलब इसमें इंडिकेटर्स हैं वो भी शो हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्ट करी गई है। देखिए बैटरी जो है वो इसके अंदर डलेगी, यहाँ पर एक जो कैप है वो दिया गया है, उसे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर तीनों बैटरी जो है इनपुट कर दीजिएगा, आपका लैंडलाइन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है अपना हैंडसेट का वायर जो है कनेक्ट किया जाएगा, हैंडसेट का वायर कनेक्ट करने के बाद यहाँ से वायर जो है आप इसे होल्ड कर दीजिएगा ताकि वायर जो है ना निकले, ठीक है। लुक जो है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कॉल वगैरह मिलेंगी। ये देखिए इसमें जैसे ही आप बटन दबाओगे लाइट जल जाएंगी, बटन दबाया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कर देना है अपना कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक। जैसे कॉल पे क्लिक किया कॉल मिल जाएगी, अगर हमारा भी कनेक्ट नहीं है इसलिए कॉल नहीं मिल रही है। कॉल मिलने के बाद आप इसे स्पीकर पर कनेक्ट कर देते हो, स्पीकर पर कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी रिंग वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फिलहाल जो है हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे कनेक्ट दिखा देते हैं कि आपको इसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ किसी तरह कनेक्ट करना है। तो देखिए हमारी ये जो केबल है जो इसके साथ फ्री मिली है उसके साथ आपको इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, हम इस केबल को जो है खोल लेते हैं और देखिए ये जो केबल है ये आपको लगानी है इस वाले पोर्ट में, लैन केबल लिखा हुआ है, लैन केबल वाले पोर्ट में जो है हमें अपनी केबल लगा देनी है। केबल इधर लग गई, अब हमारा काम है राउटर के साथ, ठीक है। तो अब हम दिखा आपको ले चलते हैं राउटर वाले टेबल पे। तो फिलहाल देखिए हम आ चुके हैं अपने अपने राउटर वाले टेबल पे। ये हमारा लगा हुआ है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है मैंने आपको दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको जो है मैं दिखा देता हूँ कि जो ये अपना ये वाला पोर्ट जो है वो कहाँ पर लगा है। तो मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा आगे आकर के इसे दिखा दें। तो देखिए ये जो पोर्ट है अपना वो राउटर के नीचे लगेगा, ये रहा, इसमें राउटर में आपको दिया हुआ है FKS वाला पोर्ट। FKS वाले पोर्ट में ये केबल जो है लगा दी जाएगी। मैं इसे लगा देता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसके अंदर लगाया तो इसके अंदर जो है आवाज़ आ चुकी है, ठीक है। हमारा ये हो चुका है चालू। अब हम इसे कर देते हैं 1 सेकेंड, हम इसमें से लगाते हैं एक कॉल। मैं इसे थोड़ा स्क्रीन को ब्लर कर दूंगा ताकि जो देखिए आवाज़ मेरी इसमें आ रही है। मुझे इसमें आवाज़ आ रही है, कॉल भी जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा पूरा का पूरा चालू। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम आपको सेटअप बताएंगे कि जितने भी इसके अंदर बटन है, मैं पहले इसे खुद देख लूँ, खुद इसे चला करके देख लूँ, इसका रिव्यू देख लूँ, उसके बाद आपको मैं कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के अंदर ही आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाए कि किस तरीके से आप इसके जो बटन्स को वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बटन्स के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।